नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अक्षय कुमार स्टार फिल्म ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को रिलीज होनी है। इसकी रिलीज को मात्र 17 दिन बाकी हैं, पर अभी तक ये फिल्म सेंसर क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। इसके चलते फिल्म के मार्केटिंग कैंपेन और प्रमोशन पर असर पड़ रहा है। दरअसल फिल्म सेक्स एजुकेशन जैसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड है, ऐसे में सेंसर बोर्ड ने ओ माय गॉड 2 को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेगी। मेकर्स को उम्मीद थी कि बोर्ड इस फिल्म को जल्द से जल्द क्लियर कर देगा, पर ऐसा लगता है कि मेकर्स अभी वेट एंड वॉच मोड पर हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स की माने तो माय गॉड 2 के मेकर्स बोर्ड की क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बोर्ड की टीम को लगता है कि फिल्म कॉन्ट्रोवर्शियल है और इसके सब्जेक्ट पर विवाद हो सकता है, इसलिए वो इसे बारीकी से व्यू करने में जुटी है। इसके अलावा माय गॉड 2 का ट्रेलर भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। मेकर्स इसे 27 जुलाई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ रिलीज करना चाहते हैं, पर बोर्ड ने अभी तक ना फिल्म और ना ही इसके ट्रेलर को ग्रीन सिग्नल दिया है। अगर 27 तक बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिली तो मेकर्स इस ट्रेलर को 31 जुलाई तक भी रिलीज करने का मन बना रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म और इसके ट्रेलर को आने वाले 3 दिनों में क्लियरेंस मिलती है या नहीं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।